नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। T20 वर्ल्ड कप जीतकर भारत लौटी टीम इंडिया के स्वागत के लिए फैंस का जनसैलाब उमड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी भीड़ के बाद नजारा तो देखने लायक था। मरीन ड्राइव पर और शाम को टीम इंडिया की विक्ट्री परेड शुरू होने से पहले ही लाखों की संख्या में फैंस मरीन ड्राइव पर अपने हीरोज को देखने के लिए पहुंची। इस भीड़ में टीम इंडिया की विक्ट्री परेड फैंस की इस भीड़ से होती हुई वानखेड़े स्टेडियम पहुंची, जहां खचाखच भरे स्टेडियम में फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। विदेशा सागर बाईपास पर गिरधर कॉलोनी के खाली प्लॉट पर 1 लाख वर्ग मीटर का पांडाल लगा है। खचाखच भरे पांडाल में चारों तरफ कीचड़ और बारिश का पानी है। इसी कीचड़ में लोग बैठे हैं। इस पांडाल में सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा हो रही है। 7 दिन तक चलने वाली कथा के चौथे दिन इसकी समाप्ति की घोषणा हो गई थी। खुद पंडित प्रदीप मिश्रा ने व्यासपीठ से कहा था कि पिछले 4 दिन से हो रही बारिश की वजह से कथा स्थल के आसपास अव्यवस्था हो गई है। पानी भरा हुआ है, कीचड़ हो रही है, जिसकी वजह से भक्तों को परेशानी हो रही। यूपी के हाथरस जैसी अप्रिय घटना ना हो इसके लिए खत्म की जाती है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। गुरुवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायकों और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि बीजेपी विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए का फंड दिया है। कांग्रेस विधायकों से मात्र 5-5 करोड़ के प्रस्ताव लिए गए हैं, लेकिन अब तक 1 रुपए भी नहीं मिले। संविधान की शपथ लेने के बाद ही भेदभाव करना संविधान का अपमान है। ग्वालियर में सड़क से अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम कर्मचारियों और एक दूसरे के साथ आपस में भिड़ गए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि नगर निगम मदाखलत के कर्मचारी सड़क पर दुकानदार द्वारा प्रचार के लिए रखे गए बैनर और पोस्टर को हटा रहे थे, तभी नगर निगम कर्मचारी और दुकानदार में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर दुकानदार और निगम कर्मियों को समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया। ग्वालियर में मुरार थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में कोर्ट से जमानत पर छूटकर आया आरोपी कपिल यादव और उसके समर्थकों द्वारा शहर में जुलूस निकालने का वीडियो सामने आया है। जुलूस में शामिल वाहनों में हूटर के प्रयोग के साथ ही जमकर आतिशबाजी की गई है। इस मामले की पुलिस को शिकायत मिलते ही CSP ने एक टीम बनाकर जुलूस में शामिल आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों तथा हूटर का अनाधिकृत प्रयोग करने वालों की सूची तैयार कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उज्जैन में कुत्ते के हमले का वीडियो सामने आया है। इसमें एक्टिवा पर जा रही एक महिला और 2 बच्चों के पीछे कुत्ते के पड़ जाने से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और पीछे बैठे 2 बच्चे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बच्चे को गंभीर चोट आई है, जिसके कारण उसके सिर में टाके लगाने पड़े। आवाज सुनकर आसपास के रहवासियों ने मदद की है, लेकिन फातिमा के बड़े बेटे को सिर में गंभीर चोट लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फातिमा ने तत्काल परिजनों को इसकी सूचना दी है और घायल बच्चों को अस्पताल में उपचार के लिए लेकर पहुंची। इस्कॉन मंदिर में 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ बलभद्र जी और सुभद्रा देवी की रथ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा से पहले 3 भगवान के पोशाक पर अंतिम काम चल रहा है। खास बात तो यह है कि कोई आम पोशाक नहीं है। भगवान जगन्नाथ बलभद्र जी और सुभद्रा देवी के लिए मुंबई, जापान, दिल्ली से मंगाए गए कपड़े और मोती और विशेष धागे वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। उज्जैन इस्कॉन मंदिर की 7 जुलाई को निकलने वाली जगन्नाथ यात्रा के लिए रथ तैयार है, साथ ही भगवान के लिए वस्त्र भी कर तैयार हो चुके। बेंगलुरु के अमृत अली के सिंधी कॉलेज में एक स्टूडेंट ने कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को चाकू मार दिया। स्टूडेंट नशे में धुत था और कॉलेज फंक्शन के दौरान कॉलेज में एंट्री लेना चाह रहा था। उसे सिक्योरिटी गार्ड ने गेट पर रोका तो उसने गुस्से में गार्ड की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। CCTV फुटेज के मुताबिक कॉलेज के गेट पर कुछ स्टूडेंट आए और कॉलेज में एंट्री लेने की कोशिश की। गेट पर मौजूद गार्ड जय किशोर ने उन्हें एंट्री नहीं करने दी, क्योंकि वह नशे में धुत थे। इसके चलते गार्ड और आरोपी स्टूडेंट के बीच बहस हुई, जिसके बाद स्टूडेंट वहां से चला गया। वह कुछ देर बाद वापस एक दुकान से चाकू खरीद कर लौटा और चाकू से गोद दिया। हाथरस हादसे के बाद प्रेमानंद महाराज ने मथुरा में अपनी रात की पदयात्रा को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी है। श्रीहित राधा के लिए कुंज परिकर को और से जानकारी लेकर लिखा कि हाथरस में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हृदय विदारक और अत्यंत दुखद है। हादसे में हम सबकी संवेदनाएं परिजनों के साथ है। भविष्य में ऐसी कोई भी घटना न घटे, ऐसी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि कृपया कोई भी श्रद्धालु रात में रास्ते में दर्शन के लिए न हो, न ही रास्ते में किसी प्रकार की भीड़ लगाए।
राजस्थान के कृषि मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आज एक धार्मिक कार्यक्रम में एक प्राइवेट चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने इसकी जानकारी दी है। मीना ने कहा कि वे दो दिन से दिल्ली में थे, उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री से बातचीत के लिए बुलाया था लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। मीना ने कहा कि उनके संगठन या मुख्यमंत्री से कोई नाराजगी नहीं है, मैंने इस्तीफा देने के लिए कहा था इसलिए मुकर नहीं सकता। कार्यक्रम में मीना ने आज की राजनीति पर भी कटाक्ष किया। फिलहाल प्रमुख खबरों में इतना ही, बने रहिए खबर मध्य प्रदेश के साथ।